प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कोड़ा उठाया, लेकिन उसने कोड़ा मारा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे को जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। वो नुकसान करने किसी का नहीं आया, वो किसी को मारने के लिए नहीं आया, बल्कि जो भी उसके साथ रहा उसको उसने जीवन दिया। उस स्त्री को, जो कौन सी स्त्री, वो स्त्री जो कि उसके पास आई जीवन का जल पीने के लिए, उसने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा वो हमेशा का जल होगा। कैसा जल होगा? हमेशा का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहूदा रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय और 17वां पद कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पे इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड दे। किसने भेजा? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, उन पर दंड की आज्ञा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो इसलिए आए कि जगत का उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह, मेरे प्रियो, इसलिए नहीं भेजा गया कि वो हमको दंडित करे, हमें गुनहगार साबित करे। उसने तो मेरे और आपके सब गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, उसने तो मार खाई, उसने कांटों का ताज पहना ताकि मैं जीवन पाऊं, ताकि आप जीवन पाए। ऐसा है हमारा खुदावन यीशु मसीह। अगर आज कोई हमें एक थप्पड़ मार दे तो हम उसको चार थप्पड़ मारने के लिए तैयार बैठे। मेरे यीशु मसीह ने और आपके यीशु मसीह ने क्या करा? कोड़े खाए, मार खाई, कांटों का ताज, उसके जो मुछे थी, गरमूछ थे, उनको नोचा गया। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु परमेश्वर ने कहा कि जगत की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरा गया, और वो किसने दिए? वो जगत को जीवन देती है। जगत को जीवन कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देने वाला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला। अगर वो और आप, वो मेरी और आपकी जीवन में है, तो हमारे जीवन में अंधकार की कोई ताकत नहीं कि अंधकार हमारे जीवन पर छा सके। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 10 पद कहता है, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है। हाँ मेरे प्रियो, काना होकर के यानी के तेरी आंख जो तुझे बुरा दिखाती है, जो तू बुरा देखता है, वो आंख अगर तेरी एक बंद भी हो जाए और तुझे स्वर्ग का राज्य मिले तो किसी कीमत से घबराना नहीं है। इसलिए कि दो आंख रहते हुए कि तू कहां डाला जाए? नरक में डाला जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नरक में डाला जाए तो नरक की आंख जो कभी बुझती नहीं और उसका कीड़ा कभी मरता नहीं, मेरे प्रियो, हालेलुया। और खुदा का कलाम जैसे यूहन्ना 10 से क्या कहता है, वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चला जाता है वो चोर और डाकू। वो भेड़शाला ये है कि जो मेरी पवित्र हैकल है, जो आपकी पवित्र हैकल है, और लोग आज अपने स्वार्थ के लिए इनको बना रहे हैं, अपने स्वार्थ कर रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं और अपना फायदा लोगों से ले रहे हैं। वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा निस्वार्थ सेवा करने के लिए आया वो हमारे। वो कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई द्वार से भेड़शाला में यानी कि जो सही रास्ते से समय अनुसार आता है वो सही है, लेकिन जो किसी और से चढ़कर आता है, किसी और इस स्थान से चढ़ के आता है, समझ लीजिए वो चोर है, वो गलत है। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं ना कि जिसको भी आना है मेरे घर में, कोई भी प्रचारक अगर आपके अपने घर में, अपने आप को जांचिए कि प्रचारक रात्रि में आता है वो ठीक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हमें समय अनुसार सूर्य डूबने से पहले जिस भी भाई बहन से मिलना मिले। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, और उसने इतना बड़ा सबूत दिया है मेरे प्रियो। क्या सबूत दिया? उसने अपने चेलों के पैर धोए, अपने चेलों के पैर धोए। आज कोई बड़ा अधिकारी बन जाए या किसी ऊंचे पद पर चले जाए तो वो ये नहीं पसंद करता कि मेरे बराबर में कोई मेरे से कम कि मेरे बराबर में ना बैठे। वो चाहता है कि ये मुझसे दूरी बना के रखे। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह कैसे आया? सेवा करने के लिए आया, और बहुतायत की सेवा करने के लिए आया, और उसने अपनी बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हालेलुया। कोई है ऐसा जो मेरे और आपके लिए बलिदान देने के तैयार है? लेकिन मेरे यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बलिदान दिया। हालेलुया। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु जो है किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने आया। और पौलुस कहते हैं कि जगत में आया इसलिए जिनमें सबसे बड़ा गुनहगार पापी मैं हूं। हालेलुया। क्या आज हम अपने आप को पापी कहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आज क्या मैं और आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं लोगों के सामने अपने पापों का अंगीकार कर सकूं, परमेश्वर के सामने पापों का अंगीकार कर सकूं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकों की खो बना दिया। हम देखते हैं कि बहुत से चीजों का हम उस समय में आदान प्रदान होता था। जो चीजें अंदर रखी होती थी उन्हें बाहर आके बेचा जाता था, और फिर वो चीजें बिक करके फिर अंदर बिक जाती थी, और यही घटनाक्रम चलता रहता था। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि मेरे घर को डाकुओं का घर मत बनाओ, उसकी खो मत बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंतिम वचन में जाएंगे और रोमियो की पुस्तक उसका 2:21 कहता है, जो औरों को सिखाता और अपने आप को नहीं सिखाता, क्या तू चोर? वो हम लोगों को बहुत सी शिक्षा देते हैं, क्या हम उन शिक्षाओं पर चलते हैं? मेरे प्रियो, मैं और आप आज शिक्षाओं पर नहीं चलते। लोगों को तो दे रहे हैं, लोगों पर तो शिक्षाओं का बोझ डाले, लेकिन हम उसको जरा सा भी उस बोझ को नहीं सिखाते ना करते। अपने आप को नहीं सिखाता, और क्या तू चोरी न करने का उपदेश देता पर आप चोरी करते? हाँ मेरे प्रियो, हम लोग चोरी करते हैं, चाहे समय की चोरी हो या परमेश्वर के धन की चोरी हो या परमेश्वर को जो स्थान देना उसकी चोरी हो। आज मनुष्य चोरी कर, हम कहते हैं कि हम चोर नहीं है, लेकिन आप अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि आप और मैं चोर हैं कि नहीं। सबसे बड़ी चोरी तो हम उसको समय देने के लिए करते हैं, जो 2 घंटा और 40 मिनट का समय देना है पूरे दिन में, क्या हम देते हैं? 5 मिनट की दुआ, 5 मिनट के गाने और गा के थोड़ा सा वचन पढ़ के शांत। मेरे प्रियो, समय है कि अपने आप को जांच लें, परख लें और पहचान लें, क्योंकि आने वाले समय में हमें यह अवसर भी नहीं मिलेगा, न जाने कब प्रभु यीशु मसीह न्यायी बन के इस संसार में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम तैयार होंगे तो उन 5 कुंवारियों की तरह अंदर चले जाएंगे, वरना हमारा जीवन नर्क पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां की आग ना तो बुझती है, वहां का कीड़ा नहीं मरता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। इस वचन को जब हमने सीखा है तो जरूर लोगों को शेयर करें, ताकि लोग भी इसको और सीख सके और जान सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस दया के लिए जो आपने हम पर की है। खुदावन, प्रार्थना करते हर एक बातों में अगुवाई और रहनुमाई करिए। खुदावन पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि आप अपने दास और दासी के जीवन पर आशीष से बरकत। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है प्रभु जी,
हर एक को अपने अनुग्रह में अपनी आशीष बरकत मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक पर आपकी दया हो। प्रभु जी जो बीमार हैं, हर एक बीमारों को तेरे हाथों में देते हैं, विशेषकर गुनगुन को, गुनगुन लाल को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। खुदा उस छोटी बेटी पर दया करें, उसे चंगाई भरा हाथ रखें और जो भी कमी घटी, जो बीमारी है, तकलीफ है, उसे दूर करें। प्रार्थना करते हैं क्रिश के लिए भी खुदावन, उसके हाथ में जो रॉड पड़ी है वो रॉड निकल रही है प्रभु, उस रॉड को निकालने में सहायता कर अपनी करुणा का। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की। और कल सैटरडे है, 5 से 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा और 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो वचन लेके आएंगे, और 9 से 10 सिस्टर रेणुका सैलेज जो प्रभु के वचन को अंग्रेजी में शेयर करेंगे। तो आप उनके लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु के वचन को शेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।